नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक की फिल्मों में सलमान खान की आवाज बने मशहूर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 साल के एसपी ने कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद शुक्रवार दोपहर 1:04 पर अंतिम सांस ली। बता दें, एसपी एक महान सिंगर थे और उनके नाम महज 12 घंटों में 21 गाने रिकॉर्ड करने का कारनामा भी दर्ज है। 4 जून 1946 को नेल्लोर आंध्र प्रदेश में जन्मे एसपी ने 1966 में बतौर प्लेबैक सिंगर तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से डेब्यू किया था। उन्होंने कन्नड़ कंपोजर उपेंद्र कुमार के लिए 12 घंटों में 21 गाने गाए थे। इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक समय ऐसा भी था जब एसपी कई भाषाओं में 16-17 गाने एक दिन में ही रिकॉर्ड करते थे। कई बार तो वो 17 घंटे तक लगातार गाने गाते थे। सिंगर होने के साथ साथ बाला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज़्यादा फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम किया है। वहीं 15 साल के सिंगिंग ब्रेक के बाद बाला ने 2013 में बतौर सिंगर चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल ट्रैक गाया था, जिसे शाहरुख खान पर फिल्माया गया था। वहीं 2011 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसपी बाला सुब्रमण्यम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।